अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अ थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट सेशन। अगर इन स्लाइड में से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आवर सेकंड स्लाइड इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइन, और यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइन। बेसिकली वेब डिवेलपमेंट एक ऐसी टर्म का नाम है जिसमें हम इंटरनेट के लिए किसी भी वेबसाइट को डिवेल्प करते हैं, जबकि वेब डिज़ाइनिंग किसी भी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर मुख्तलिफ स्किल और डिसिप्लिन रखते हैं। वेब डिज़ाइनिंग में हम कंप्लीट अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, लाइक उसका कलर चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह, फ़ॉन्ट का टेक्स्ट वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। जो डिज़ाइन आप किसी वेबसाइट में देख रहे हो वो वेब डिज़ाइन के थ्रू आता है। आगे हमारे पास वेब डिज़ाइन में डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पर लेआउट है, जो कि आपकी वेबसाइट पर बहुत डिपेंड करता है। लेआउट का मतलब ये है कि हमारी जो वेबसाइट का पैटर्न है या उसका डिज़ाइन है वो क्या होगा। अगर आपका लेआउट अच्छा नहीं है और यूज़र को कुछ उसकी लेआउट की कुछ भी समझ नहीं आ रही तो यूज़र आपकी वेबसाइट पर दोबारा नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर कलर आता है, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है, लाइक इसमें डिफरेंट कलर स्कीम आती हैं। अगर आपकी कलर स्कीम अच्छी नहीं होगी तो कोई भी आपकी वेबसाइट पर काम करना पसंद नहीं करेगा, वो इसमें बोरियत फील करेगा। और कलर स्कीम किसी भी ब्रांड को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन हर कंट्री के कुछ कलर्स बहुत अहमियत के हामिल हैं, जैसा कि सफ़ेद मुसलमान जब पहनता है तो किसी खुशी के मौका पर पहनना पसंद करता है, लेकिन वही सफ़ेद हिंदू जो है उनके लिए अफसुदगी की लामत है, और वो तब पहनते हैं जब उनके किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स जिसका आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ग्राफिक्स में डिफरेंट तस्वीर और लोगो वगैरह आ जाते हैं। चौथे नंबर पर हमारा एलिमेंट फॉन्ट्स का है, जिसमें डिफरेंट फॉन्ट साइज, उनकी डिफरेंट फैमिलीज आती हैं। अगर आपका फॉन्ट ऐसा हो कि आसानी से पढ़ा जा सके तो लोग आपकी वेबसाइट पर दोबारा ज़रूर आएंगे। नंबर पाँच पे जो एलिमेंट है वो कंटेंट का है। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग उसको पढ़ेंगे, आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा होगी। पर अगर आपका टेक्स्ट आपकी वेबसाइट के रेलिवेंट ही नहीं है तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। ये सारे एलिमेंट पढ़ने के बाद हमारा क्वेश्चन ये बनता है, क्या इन सारी एलिमेंट्स को फॉलो करने के बाद हमारी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली बनती है कि नहीं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब ये है कि जो हम वेब लेआउट बना रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, क्या वो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कंपेटिबल है कि नहीं, लाइक डेस्कटॉप पे उसका व्यू क्या आ रहा है, लैपटॉप पे क्या आ रहा है, स्मार्टफोन में क्या आ रहा है और टैबलेट में क्या आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वेब डेवलपमेंट की डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड टूल्स के बारे में जिक्र किया गया। फर्स्ट नंबर पर HTML है। HTML के बगैर हम वेबसाइट को कंसिडर ही नहीं कर सकते कि हम वेबसाइट को डिवेल्प कर सकते हैं, चाहे वो PHP में करें या ASP.NET में करें, HTML रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, ये मस्ट है। साथ मैंने दिया DHTML और XHTML। DHTML और XHTML इसके डिफरेंट वर्जन का नाम है। अभी वो कंट चल रहा है HTML5 है, पर दो वीक पहले HTML5.1 आ चुका है। सेकंड नंबर पे जावा और PHP है, या C# भी आप कह सकते हो, जो कि बैकएंड के लिए यूज़ की जाती है। अगर आप ASP.NET यूज़ कर रहे हो तो उसकी बैकएंड यूज़ करने के लिए आपको एडिशनल एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका नाम C# है। CS जो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं C# के बारे में। थर्ड नंबर पे वेब डिज़ाइनिंग के डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें फ्रंट पेज है, ड्रीमवीवर है, और आप अगर आप चले जाएँ वेब डेवलपमेंट में उसके लिए भी आप ड्रीमवीवर यूज़ कर सकते हो। अगर PHP करने के लिए आपको कोई टूल चाहिए तो उसके लिए आप सबलाइन, ड्रीमवीवर और Notepad++ पे भी आप कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, लाइक जावा स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट्स हैं। फिफ्थ नंबर पे कास्कैडिंग स्टाइल शीट्स है, जिसे हम CSSP कहते हैं। सिक्स नंबर पे XML फाइल्स होती हैं। सेवन पे और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस स्लाइड में हम HTML के बारे में जानेंगे। HTML का जो एब्रीवेशन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML को किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए ये एक मेन मार्कअप लैंग्वेज है, और इसके अलावा किसी भी इंफॉर्मेशन को वेब ब्राउज़र में दिखाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। HTML के हर कोड को ग्रेटर देन एंड लेस देन के साइन के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिया गया है, ग्रेटर देन HTML लेस देन। आगे हमारे पास CSS आती है, इट इज़ स्टैंड फॉर कास्कैडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट को हम यूज़ तब करते हैं जब हमने कोई पेज HTML में क्रिएट किया है और उसको हम डिज़ाइन करना चाहते हैं।